नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक आपके अपने चैनल साकेटेक में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस की सीरीज। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहले हैं, न्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक ग्रुप साकेटेक पर ज्वाइन करें और स्मार्ट लर्निंग विद साकेटेक पेज है हमारा फेसबुक पे, उसको जरूर ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस जो आज का फंडा है, जो आज का वीडियो का मोटिव है, वो हमारा है कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस। आज हम लोग पहले वीडियो है, इसलिए कम क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, 15 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपकी बैंक, रेलवे, कंप्यूटर ऑपरेटर और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको उससे लाभ मिलेगा। ओ लेवल और ट्रिपल सी की एग्जाम्स जो लोग कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बिना किसी देर के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर है आपका। पहला आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी प्रधान डाकघर नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रधान डाकघर बेंगलुरु, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रधान डाकघर बेंगलुरु। जो आंसर ब्लिंक कर रहा है, पिंक कलर का हो गया, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ऑप्शन बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन डी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर किसको परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन को? तो ऑप्शन है आपके सामने इनपुट को, नंबर को, डेटा को, प्रोसेसर को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इसका ऑप्शन राइट है, डेटा को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एस एम पी एस का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एस एम पी एस, सर्विस मैक्ट पावर सॉप, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, सेव पावर मैन सप्लाई। इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका आंसर भी करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी नोटबुक। तो आपको जैसा कि नाम से पता है, सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे बड़ा होता है, महंगा होता है और सबसे फास्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये मैं कवर कर चुका हूँ। जो मेरी बेसिक फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्रिंटर्स के ऊपर आउटपुट डिवाइसेस का एक अलग सा मैंने वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको देखिएगा। तो प्रिंटर, हर एक जितने भी प्रिंटर जो आपको चारों दिए गए हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लें। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर आपका होता है लेजर प्रिंटर। इसके बारे में और भी डिटेल से जाने तो मेरे आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएगा। सी डी आर डब्ल्यू पर सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है, केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, केवल सूचना को राइट किया जा सकता है, सूचना को रीड एवं राइट किया जा सकता है, सूचना को
रीड एवं राइट किया जा सकता है। ऑप्शन होगा आपका सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है, मतलब एक फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है विंडोज 7 में? डायरेक्टरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी सब फोल्डर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को आपको क्या बोलते हैं? सब फोल्डर बोलते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं SSIC, MSIC, VLSIC, ULSIC। जो वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है उसमें किस तरीके के IC यानी इंटरनेट सर्किट यूज होते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आंसर हो जाएगा इसका ULSIS। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नोट कर लें आप, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है ULSIC का। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, आगे की पीढ़ियां आएंगी उनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी? BI, AI, CI एंड D। ऑप्शन ए BI, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी CI, ऑप्शन डी D। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों AI। इसका फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। ऑप्शन ए योजक, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में लिंकर बोलते हैं। समुच्चायक, जिसको असेंबलर बोलते हैं। निर्वचित्र, जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। संकलक, जिसको कंपाइलर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है? वो होता है आपका कंपाइलर, जिसको संकलक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, माउस की क्रिया है, हमारा माउस है उसका एक्शन क्या है? तो ऑप्शन ए सिंगल क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं सिंगल क्लिक भी होता है माउस से, डबल क्लिक भी होता है माउस से, और ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी भी हमारी माउस से ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? ऑप्शन ए फाइल लिस्ट, ऑप्शन सी ए एंड वी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जंप लिस्ट। रिसेंटली ओपन आइटम को किससे किसमें से होता है? जंप लिस्ट में। डैश में परिवर्तित यानी चेंज डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित यानी पब्लिश किया जा सकता है। ऑप्शन ए डॉक फाइल में, ऑप्शन बी दिए गए विकल्पों के अलावा। देखिए ये ऑप्शन आपको दूसरा ही मिल गया, ये ऑप्शन होना चाहिए आपका डी। ऐसे ही एग्जामिनर जो होता है ना, ऐसे ही विकल्प डालता है जिससे कि बच्चा फंसे। तो ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी HTTP फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP फाइल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर पब्लिश किया जा सकता है। HTTP फाइल, इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? ये आपका CPU से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जरूर आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उस पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। ऑप्शन ए रीड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी डायरेक्ट ऑपरेशंस, ऑप्शन डी प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट ऑपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए।
वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए करिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।